आज हम बात करेंगे शॉर्ट फिल्म अधीन की, जिसमें मुख्य किरदार निभाया है संजय मिश्रा साहब ने। यह स्टोरी बेस्ड है पेरेंट्स और बच्चों के ऊपर। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब आजकल वो पेरेंट्स से सेपरेट होना बेहतर समझते हैं। तो आइए मैं आज इस कहानी के आपको तीन किरदार से मिलाता हूँ। पहला किरदार राजेंद्र, जो कि बाप का किरदार है, उनका किरदार निभाया है संजय मिश्रा साहब ने। और दूसरा किरदार मीरा, जो राजेंद्र की बेटी है, जिसका किरदार निभाया है अनुप्रिया गोयनका ने। और तीसरा किरदार वीर, जो कि राजेंद्र का बेटा है, जिसका किरदार निभाया है नीरज प्रदीप पुरोहित ने। तो आइए अब मैं आपको इस कहानी के अंदर ले जाता हूँ। तो जो राजेंद्र है वो कई सालों से एक घर में अपनी वाइफ के साथ अकेले रहता है। राजेंद्र की जो वाइफ है वो 7 सालों से पैरालाइज्ड है और राजेंद्र अपनी वाइफ का ख्याल अकेले रखता है। और उनकी जो बेटी है मीरा, वो एक लेस्बियन है, जो कि एक शालिनी नाम की लड़की के साथ रिलेशनशिप में है, और उसी वजह से मीरा की माँ ने उसे घर से निकाल दिया था। तो अब वो घर नहीं आती। और वीर जो है वो भी अलग हो गया है सक्सेस होने के लिए, तो वो भी नहीं आता घर। तो अब राजेंद्र ने 7 साल से वेट किया कि उसकी वाइफ अब तो ठीक हो जाए। अब वो फ्रस्ट्रेट हो गया है और आज उसने वीर और मीरा को बुलाया है, अपने दोस्त को ये बोलकर कि तू मीरा और वीर को फ़ोन लगा और उन्हें बोल कि मेरी तबीयत सही नहीं है। तो उसी वजह से मीरा और वीर आज घर आए हैं। फिर मीरा बोलती है कि ये क्या नया नाटक है। तो राजेंद्र उन्हें कुछ बोलता नहीं है और बाहर आता है, वो डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। फिर वहाँ मीरा भी बैठती है और फिर बातें होती है, और बातों बातों में मीरा और वीर की बहस होने लग जाती है। वीर बैटिंग करता है, जो वीर का प्रोफेशन है वो सट्टेबाजी करता है, और मीरा एक टीचर है। और उसी बीच उन्हीं के बारे में बहस करते हैं, राजेंद्र उन्हें देख रहा है और फ्रस्ट्रेट होकर उन्हें सुनाने लगता है, और वहाँ तीनों की बहस होने लग जाती है। राजेंद्र की जो वाइफ है अब उनके बारे में बात करते हैं कि क्या करना है, डॉक्टर से तो अब कुछ हो नहीं रहा है। तो मीरा सजेस्ट करती है कि माँ को ना ओल्ड एज होम में शिफ्ट कर देना चाहिए। तो वीर बोलता है ओल्ड एज होम में लाखों रुपए लगते हैं, तू देगी क्या। तो मीरा बोलती है तुझसे तो कोई उम्मीद नहीं। फिर मीरा गवर्नमेंट हॉस्पिटल का सजेस्ट करती है, तो राजेंद्र बोलता है नहीं, वहाँ 4 दिन में एक बार चादर बदलते हैं वो लोग। तो फिर वहाँ एक मनोज की बात होती है, तो फिर बोलते हैं, फिर वीर बोलता है डैड मॉम के लिए हर कुछ नहीं बोलोगे। तो राजेंद्र और वीर की बहस होने लग जाती है। फिर बहस होती है और थोड़ी देर बाद राजेंद्र अंदर जाता है और उन दोनों के बचपन के खिलौने लाकर उन्हें दे देता है, और कुछ बातें होती है। राजेंद्र बोलता है कि जो भी है यही है, क्योंकि मैंने ये घर बेच दिया है अब। तो मीरा और राजेंद्र बोलते कि ये क्या किया, तो अब आप लोग कहाँ रहोगे। तो राजेंद्र बोलता है कि मेरा तो तुम छोड़ दो, तुम ये डिसाइड करो कि तुम्हारी माँ किसके पास रहेगी, तेरे पास रहेगी या तेरे पास रहेगी। तो वो बोलकर राजेंद्र अंदर चले जाते हैं। तो अब वो दोनों डिसाइड करते हैं कि भाई क्या करना है। तो जो वीर है वो मीरा को बोलता है कि तू ले जा, मीरा बोलती तू ले जा। वो दोनों बातें कर रहे, डिसाइड नहीं कर पाते, और फिर जो राजेंद्र है वो एक बैग लिए बाहर आते हैं और फिर बोलते हैं कि मुझे मालूम था तुम डिसीजंस नहीं ले पाओगे, इसलिए मैंने एक डिसीज़न ले लिया है, मैंने तुम्हारी माँ को फ्री कर दिया है। एक्चुअली होता क्या है, जो राजेंद्र है वो उनकी वाइफ की दवाइयों में एक केमिकल मिला देते हैं ताकि उनकी मौत हो जाए और वो फ्री हो जाए, क्योंकि ये दोनों तो ले जाने चाहते नहीं, और अब मैं पागल हो गया हूँ। और उसी वजह से फिर वो बोलते कि आपने ये डिसीज़न अकेले कैसे ले लिया, ऐसे बहस होती है। फिर वो दोनों पीछे से बोल रहे हैं और जो राजेंद्र है वो उनकी वाइफ की तस्वीर की ओर देख के उनसे माफ़ी मांग रहे हैं, और फिर पीछे मुड़ते और बोलते हैं कि मुझे मालूम है मैंने मेरी वाइफ को फ्री किया है, तुम्हारी माँ को मैं फ्री नहीं कर पाता हूँ। तो ये एक केमिकल है जो उस केमिकल को मार देगा और तुम्हारी माँ वापस से ठीक हो जाएगी, तुम्हारे पास 8 घंटे हैं। तो वो जाते हैं और फिर वही यहीं ख़त्म हो जाता है।